हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एरर्स इन ए मेजरमेंट। तो हम पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। जो अब तक हमने पढ़ा है उसका मैं एक क्विक रिविजन ले लेता हूँ। तो एरर इन समेशन ऑफ टू क्वांटिटीज, कंसीडर करते हैं कि ए और बी दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जिन दोनों को ऐड करके आपकी एक नई फिजिकल क्वांटिटी जेड आती है। और ए के मेजरमेंट में डेल्टा ए की एरर है, बी के मेजरमेंट में डेल्टा बी की एरर है। अगर हम इन दोनों क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो हमारे जेड के मेजरमेंट में जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगी दैट इज द डेल्टा जेड, और वो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी के बराबर होगी। नाउ एरर इन डिफरेंस ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज, अगेन जेड इक्वल टू ए माइनस बी, और ए के मेजरमेंट में डेल्टा ए, बी के मेजरमेंट में डेल्टा बी की एरर है। तो जेड के मेजरमेंट में जो कि ए माइनस बी का डिफरेंस है, उसमें जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगी दैट इज द डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यानी जेड के मेजरमेंट में जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है वो ए के मेजरमेंट में जो एरर है प्लस जो बी के मेजरमेंट में एरर है, इन दोनों का सम है। नाउ एरर इन मल्टीप्लीकेशन, कोई फिजिकल क्वांटिटी जेड ए और बी दो फिजिकल क्वांटिटीज के मल्टीप्लीकेशन से बनती है, यानी जेड इक्वल टू ए इंटू बी। और अब हम बात करते हैं मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन जेड, यानी डेल्टा जेड अपॉन जेड। डेल्टा जेड क्या है? एरर इन जेड, और जेड ट्रू वैल्यू है। तो मैंने रिलेटिव एरर बताया था आपको, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। सो इफ रिलेटिव एरर इन ए दैट इज द डेल्टा ए अपॉन ए, एंड रिलेटिव एरर इन बी दैट इज द डेल्टा बी अपॉन बी, देन रिलेटिव एरर इन जेड दैट इज डेल्टा जेड अपॉन जेड। ये आपका रिलेटिव एरर ऑफ ए एंड बी के समेशन के बराबर होगा। यानी मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन जेड दैट इक्वल टू रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी। सिमिलरली एरर इन डिवीजन, यानी जेड इक्वल टू ए अपॉन बी है, ए और बी दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जेड भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, और जो जेड है वो आपका एरर के साथ में है, यानी जेड में जो एरर है वो डेल्टा जेड है। ए की एरर डेल्टा ए है, बी की एरर डेल्टा बी है। तो रिलेटिव एरर ऑफ जेड यानी मैक्सिमम रिलेटिव एरर ऑफ जेड दैट इज द डेल्टा जेड अपॉन जेड, दैट इज द सम ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ ए एंड रिलेटिव एरर ऑफ बी। ये हमने अब तक पढ़ा था। और अगर हम परसेंटेज एरर की बात करें यहाँ पर, तो अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे सो दैट इज द परसेंटेज रिलेटिव परसेंटेज एरर इन जेड दैट इक्वल टू परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, एंड द सेम सिचुएशन इन केस ऑफ डिवीजन। सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, एरर इन पावर ऑफ ए क्वांटिटी। कंसिडर करते हैं कि आपका फिजिकल क्वांटिटी जेड वो ए की पावर एन है, ए इज अनदर ए फिजिकल क्वांटिटी, और हम मानते हैं कि ए में जो एरर है वो डेल्टा ए है और जेड में जो एरर है वो डेल्टा जेड होगी। सो वी कैन राइट मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए दैट विल बी ए प्लस माइनस डेल्टा ए। बच्चों, आपने पहले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देखिएगा, तब आगे बढ़िएगा। एंड रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ जेड विद एरर दैट बी जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। सो नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड जेड हेयर। सो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड दैट इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए की पावर एन। बच्चों, अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। अगर मैं यहां से ए को बाहर लेके जाता हूं तो बेसिकली ए की पावर एन बाहर जाएगी, और ये टर्म बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए की पावर एन। मैं इसको आपको अलग से समझाता हूँ। बच्चों, मैं कंसीडर करता हूँ कि मेरे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर, अगर मैं
इस ब्रैकेट से बाहर लेता हूं तो मुझे लिखना होगा 1 प्लस b अपॉन a का होल स्क्वायर। चाहे तो आप इसको एक्सपेंड करके देख लीजिए, वो सेम रिजल्ट आने वाला है, ए स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 2b अपॉन a। और अगर आप ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी अगर मेरे पास x प्लस वाई की पावर n है तो अगर मैं यहां से x को इस ब्रैकेट से बाहर लेता हूं तो मुझे लिखना होगा x की पावर n 1 प्लस y अपॉन x की पावर n। तो बच्चों देखिए, जब मैंने यहां से a को बाहर लिया तो दैट इज द a की पावर n 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a की पावर n। तो a की पावर n को तो हम z लिख ही सकते हैं, सो दैट इज द z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू z। और बच्चों अगर मैं इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करूं तो वो था आपका 1 प्लस x की पावर n, दैट इज द 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू x स्क्वायर। अगर आप ज्यादा भी ध्यान नहीं रख सकते तो आप ये देखिए 1 प्लस x की पावर n, तो 1 और आपने नेक्स्ट टर्म में क्या n से x में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 प्लस nx। तो आगे के टर्म तो बेसिकली अपने आप ही नेग्लेक्ट होंगे, तो आप देखेंगे जो आएगा आपका दिस इज द 1 प्लस माइनस n से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो n इंटू डेल्टा a अपॉन a, नेक्स्ट दैट इज द प्लस। अब अगला टर्म आएगा बच्चों n n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, सो दिस इज द फैक्टोरियल 2 एंड दैट इज द प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a का होल स्क्वायर समथिंग। अब बच्चों ध्यान से देखिए, जो एरर होती है वो बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, तो डेल्टा ए बहुत छोटी क्वांटिटी है, उसमें आप उसकी ट्रू वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो क्वांटिटी और छोटी हो जाएगी, और बहुत छोटी क्वांटिटी का आप स्क्वायर करेंगे तो वो बिल्कुल बहुत छोटी क्वांटिटी होगी। यानी दैट्स मतलब हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी ये क्वांटिटी लगभग लगभग जीरो के बराबर होगी। तो जब जीरो के बराबर होगी, जीरो की मल्टीप्लाई इधर हो रही है तो वो जीरो होगा, तो हम इस पूरे टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रॉम हेयर जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड दैट इक्वल टू जेड 1 प्लस माइनस n डेल्टा a अपॉन a। और अगर मैं ये मेरा माना कि ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, मैं फर्स्ट इक्वेशन में z से डिवाइड करता हूँ तो बच्चों ये होगा z प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z दैट इक्वल टू z अपॉन z 1 प्लस माइनस n डेल्टा a अपॉन a। बच्चों आप इस टर्म को देखिए, ये होगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z दैट इज 1, सो दिस इज द 1 प्लस माइनस n डेल्टा a अपॉन a। 1 से आपका 1 कैंसिल आउट, सो फ्रॉम हेयर प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z दैट इक्वल टू प्लस माइनस n डेल्टा a अपॉन a, यानी मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन z दैट इज द डेल्टा z अपॉन z दैट इज द n टाइम, जो n लिखा हुआ है दैट इज द n टाइम डेल्टा a अपॉन a। यानी इसको आप ध्यान रखेंगे, यानी बच्चों आपके पास लिखा हुआ है z इक्वल टू a की पावर n, तो रिलेटिव एरर इन z दैट इज द डेल्टा z अपॉन z ये किसके बराबर होगा, n आपका बाहर आ जाएगा इनटू रिलेटिव एरर ऑफ a। अगर आपको परसेंटेज एरर चाहिए तो आप 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस एक्सप्रेशन को आप बहुत ध्यान रखेंगे। अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सीट से।